मुल्क भर में देश की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर गुलबर्गा सिटी महानगर पालिका की जानिब से कल यानी 8 अगस्त को साइक्लोथॉन रखा गया है जिसको यूनाइटेड हॉस्पिटल ने स्पॉन्सर किया है। इस मौके पर सिटी महानगर पालिका कमिश्नर ने शहर के आवाम से गुजारिश कर कहा 8 अगस्त को सुबह 7 बजे जगह सर्कल को विजिट कर साइक्लोथॉन प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और इस प्रोग्राम के जरिए प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान भी चलाया जाएगा जिससे लोगों को यह बताया जाएगा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। यूनाइटेड हॉस्पिटल हमेशा ऐसे सोशल प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते आ रहा है और इस बार भी यूनाइटेड हॉस्पिटल ने साइक्लोथॉन प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर देश के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। मेरा नमस्कार, कलबुर्गी सिटी कमिश्नर बात कर रहा हूँ। ये इस साल में हमारा जो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव करके हम लोग हमारा इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश में, इसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से भी पूरे कर्नाटका स्टेट में ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो सेलिब्रेट गुलबर्गा में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सो ये साइक्लोथॉन सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड हॉस्पिटल और कलबुर्गी साइकिलिंग क्लब इनके सपोर्ट से हम लोग मंडे को सुबह 7 बजे 8 तारीख को सुबह 7 बजे जगत सर्कल से ये साइक्लोथॉन शुरू करेंगे। इसके लिए आप सभी हमारे जनता से मेरा अनुरोध है कि आप लोग यहाँ पे आके हमारे जो साइक्लोथॉन है इसको एक सक्सेसफुल तरीके से करेंगे। इसके साथ साथ हम अवेयरनेस कैंपेन भी जैसे प्लास्टिक मुक्त भारत वो भी हम लोग इसके साथ कर रहे हैं, तो आप लोग इस सब में पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ साथ 13 तारीख से हर घर तिरंगा ये प्रोग्राम के तहत आप सब गुलबर्गा वासियों से मेरी विनंती है कि आप अपने घरों में घर के ऊपर अपना जो तिरंगा है देश ध्वज है वो लहराए और हमारे गुलबर्गा ये सब प्रोग्राम में सक्सेसफुल हो, इसलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।